हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालीमार किचन। आज हम ब्रेड की रसमलाई बनाएंगे। बहुत ही यम्मी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। चलिए ब्रेड की रसमलाई बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड की रसमलाई बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध और इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर, जिससे हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए। इसके लिए हमें ज़्यादा बॉईल भी नहीं करना पड़ेगा और दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। और लगातार इसे ही चलाते हुए हम पकाएंगे ताकि दूध नीचे नहीं लगे। और इसमें हमने लिए हैं 4 से 6 धागे केसर के, वो भी डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और इसमें 1-2 उबाल आ जाएगा, तब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। दूध को आप लो फ्लेम पर ही पकाएं, नहीं तो ये तले से लग जाएगा। देखिए अब धीरे से हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। अभी हम इसे और पकाएंगे और इसे लगातार चलाते रहें। यहाँ हमने 4 टेबल स्पून चीनी ले ली है, वो डाल देंगे इसमें और इसे चला लेंगे। इलायची पाउडर भी डाल देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी की क्वांटिटी रख सकते हैं, जितना मीठा आप पसंद करते हो। देखिए हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। अभी हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे और जो ये मलाई साइड से लग रही है उसे भी हम इस निकालते हुए इसमें शामिल कर देंगे। ब्रेड की रसमलाई भी बाज़ार की रसमलाई जैसी ही लगती है। जो छेना की रसमलाई होती है ना, वैसे ही इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर बनाएं। अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें हमने काजू को बारीक काट लिया है, बादाम का बारीक काट लिया है और हमने चिरौंजी ले ली है। हम इसमें से थोड़े थोड़े डाल देंगे ताकि इससे अच्छा फ्लेवर आए रबड़ी में। और इसे पका लेंगे। गैस की फ्लेम आप मीडियम लो ही रखें। देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है। केसर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है और फ्लेवर भी आ जाता है। आप इसे ज़रूर शामिल करें। आप चाहें तो फूड कलर भी डाल सकते हो। इसमें हमने येलो फूड कलर भी डाला है। कैमरा बंद होने की वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाई। हमारा दूध अब कितना गाढ़ा होने लगा है। अब हम इस स्टेज पर हम 2-3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की डाल देंगे। आप चाहे तो डालें या ना डालें, यह ऑप्शनल है। दूध को हम 5 मिनट और पकने देंगे। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने पर गाढ़ा हो जाता है। जब भी आप रसमलाई बनाएं, हमारे तरीके से ही बनाएं क्योंकि बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप इंस्टेंट रसमलाई बना सकते हो, ब्रेड की रसमलाई। इसलिए आप ज़रूर से बनाएं। देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है। इसे अब हम 1 मिनट और पकने देंगे। देखिए हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे गैस बंद कर देते हैं। इससे ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने पर भी गाढ़ा हो जाएगा। गैस बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम रसमलाई बना लेंगे। देखिए रसमलाई बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 ब्रेड स्लाइस ले ली है और अब हम इनके किनारों को काट देंगे। इनके सभी के चारों किनारों को कट करके रख देंगे अलग साइड में और बाद में हम इनसे ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। देखिए हमने सभी ब्रेड के किनारों को हमने काट लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और इसके लिए हम मीठा मावा लेंगे। ये होममेड मावा है और इसमें हमने थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी मिलाया हुआ है। अब हम रसमलाई बनाएंगे। ब्रेड की 1 स्लाइस लेंगे। यहाँ हमने 1 कटोरी में पानी ले लिया है ब्रेड स्लाइस में लगाने के लिए, जिससे हम रसमलाई बनाएंगे। और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इन्हें हमने बारीक काट लिया है। इसे हम रसमलाई में अंदर स्टफिंग करेंगे। अब हम 1 ब्रेड की स्लाइस लेंगे, उस पर हम पानी लगा लेंगे जिससे ब्रेड थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और रसमलाई बनाना आसान होगा। दूसरे साइड भी लगाएंगे पानी
आप चाहे तो दूध भी लगा सकते हो। देखिए हमने पानी लगा लिया है, अब हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ब्रेड सॉफ्ट हो जाए और वो आसानी से फोल्ड हो सके। अब इस पे हम एक चम्मच मावा रखेंगे, खोया जो हमने बनाया था, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसके किनारों को हम बंद कर देंगे। फोल्ड करते हुए ये देखिए ऐसा शेप देते हुए इस तरह से बनाएंगे। और हमने एक रसमलाई बना ली है, इसी तरह हम सभी ब्रेड्स की रसमलाई भी बना लेंगे। देखिए हमारी सभी रसमलाई बनकर तैयार है। और आप जब भी रसमलाई बनाएं आप फ्रेश ताज़ी ब्रेड ही लें, उससे रसमलाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत अच्छी बनती है। चलिए अब हम फ्रिज में से दूध को निकाल लेते हैं जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था। रसमलाई की प्लेटिंग कर लेंगे हम। इसके लिए अब हम एक प्लेट लेंगे। ये देखिए हमने सभी रसमलाई तैयार की है, इसे हम इसी तरह से रखेंगे प्लेट में। अभी रसमलाई को हमने अरेंज कर दिया है प्लेट में। अब हम इस जो दूध की रबड़ी हमने बनाई थी वो हम इस पर डालेंगे। रबड़ी हमने रसमलाई पर डाल दी है, अब हम इसे पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। देखिए हमारी ब्रेड रसमलाई अब तैयार है। देखिए मैं इसे तोड़कर बताती हूँ आपको। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है, ये मैं तोड़कर बता रही हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट है हमारी रसमलाई। आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी से, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बनती है इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको इस ये रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर से बताएं कमेंट्स करके, और हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।